don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just the... Naam ho jaye mahan, नाम हो जाए महान, काम ऐसा कर और यहाँ पर खड़ी हो जाएगी आपकी फॉर्च्यूनर। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल आरएस अपनी प्रॉपर्टी हमारा सपना सबका घर होगा अपना। और दोस्तों सबसे पहले एंट्रेंस में ना मिल जाती है आपको कार की पार्किंग, और जहाँ पे छोटी कार नहीं लग्जरी कार पार्क करनी है, फॉर्च्यूनर जैसी कार पार्क करनी है, इजीली कार पार्क करके भी आपका लगभग 2 मीटर का समथिंग स्पेस आपका पीछे बचा रहेगा, इतनी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ पर आपका गेस्ट वॉशरूम मिल जाता है, जो कि बहुत ही स्पेशल चीज है, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर एक वॉशरूम दे रहे हैं आपको बना करके, जो कि आपके गेस्ट यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपके बाहर से आ रहा है वो यूज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर वॉशिंग एरिया मिल जाता है आपको। उसके बाद जैसे बाइक वगैरह बाइसिकल खड़ी करनी है तो यहाँ पर स्पेस आपको मिल जाता है। ये जो प्रॉपर्टी होने वाली है दोस्तों त्रिपड़ी मार्केट पटियाला के जस्ट पास में होने वाली है, और खूबी इसकी बताता चलूंगा हाईवे की बात करूँ तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा हाईवे आ जाता है, तो हाईवे के जस्ट पास में ये प्रॉपर्टी रहेगी। डायमेंशन की बात करूँ तो 21x21x66 इसकी डायमेंशन होने वाली है, 157 गज में प्रॉपर्टी होने वाली है। ऊपर का पोर्शन आपको बाद में दिखाएगी, पहले चलिए नीचे का पोर्शन दिखा देते हैं। रूह खुश हो जाएगी, इतनी शानदार प्रॉपर्टी आज आपको मिलने वाली है। मतलब अगर आप चाह रहे हैं ना कि सर हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दे या अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और 157 गज की जो कोठी है ना, इतने कम बजट में दे देंगे आज आपको कि आप खुद फील करोगे यार वाकई में क्या गजब की चीज दे दी और इतने कम बजट में। तो सबसे पहले चलिए एंट्रेंस पे आपको यहां पर मिल जाता है दोस्तों लिविंग एरिया। लिविंग एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट बना के दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन दिया है, यानी कि आपका डाइनिंग एरिया पीछे आ जाएगा, पार्टीशन करके आपका लिविंग एरिया को सेपरेट कर दिया, ताकि आपको फील आए कि यार आपका लिविंग एरिया बिल्कुल अलग है, लग्जरी फील कर सके आप। यहाँ पर मैं अगर सोफे की बात करूँ ना, इजिली दोस्तों 10-12 सीटर सोफा आप आराम से इजिली अगर लगा सकते हैं। बीच में आपके राउंड टेबल आ जाएगी, जो कि काफी स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों वुडन का वर्क करके दे रहे, जो कि बहुत अच्छी लुकिंग दे रहा, छोटी छोटी एलईडी लाइट्स वगैरह यहाँ पर लगा करके देने वाले, जो आपको अच्छी लुकिंग देगी। उसके बाद ऊपर आप फोल्ड शेडिंग देखिए, ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन के साथ कितना प्यारा लग रहा है ये। मतलब रात के समय ना, इवनिंग टाइम में दोस्तों, जब आप सारी लाइटें बंद कर देते हैं और ब्लू वाली लाइट को ओपन करते हैं, तो आपको एक अलग ही नजारा आता है। तो जैसे आपको दिख रही ना, एज इट इज ही मिलेगी आपको ये, जिस तरीके की आप देख रहे हो एज इट इज, सारी कॉम्बिनेशन जो चीज जिसमें लगी है सारा एड ऑन है, सारी चीजें इंक्लूड रहेगी। छोटी सी विंडो रहेगी ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे। तो ये हमारा लिविंग एरिया है। उसके साथ साथ दोस्तों बात करूँ, यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे से आपको चीज, यहाँ पर अगर आप जैसे बुक्स वगैरह रखनी है या कुछ आर्टिफिशियल या कुछ एंटिक पीस आपने यहाँ पर डेकोरेट करना, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले दिखाता हूँ जो कि गर्ल्स की पसंद, किचन। तो किचन हमारा यहाँ पर आया था, किचन हमारा मॉड्यूलर रहेगा, और सबसे बड़ी खूबी जो है ना स्पेस की, यानी कि स्पेस आपके पास भरमार है। और यहाँ पर आप देखेंगे साउंडलेस सिंक रहेगा, सिंक हम साउंडलेस देने वाले हैं इसके अंदर भी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे बर्तन के साथ। सेकंड चीज दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका फ्रिज के लिए स्पेस जो बिल्कुल अलग से सेपरेट दिया गया है, ताकि फ्रिज आप आराम से यहाँ पर स्टोर कर सके। यहाँ पर दोस्तों आपको स्विच दे दिए गए, ताकि आपको फ्रिज की कनेक्टिविटी आराम से इजिली यहाँ पर हो जाए। साथ में दोस्तों बात करूं, किचन हमारा मॉड्यूलर रहेगा, जो कि आपको एज इट इज मिल जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं एज इट इज हमारा मिल जाएगा, यानी कि एक बार क्लिक कीजिए आपका जो है ना सिस्टम बिल्कुल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा एज इट इज मिल जाएगा। ब्लैक कलर की ग्रेनाइट दे रहे हैं दोस्तों लगा करके इसमें, और यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ टाइल्स भी देने वाले हैं। चिमनी का स्पेस आ जाएगा दोस्तों, चिमनी के लिए देखिए पाइप का स्पेस यहाँ पर दिया गया है, और एडजस्ट फैन के लिए स्पेस ऊपर दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आरओ और गीजर दोनों प्रोविजन यहाँ पर आपको देने वाले हैं, यानी कि आपको पूरी फैसिलिटी के साथ दे रहे हैं। ऊपर की जो आप देख रहे हैं बिल्कुल फंक्शनिंग एसेट मिल जाएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशलिस्ट जो आपको कैबिनेट्स बना करके दे रहे हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा सामान आपका है तो आराम से यहाँ पर स्टोर आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा डाइनिंग एरिया। मतलब अब यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, आप खुद फील कर लो आप कि आप कितने, मतलब यहाँ पर आप 7 सीटर लगाना, 10 सीटर लगाना, 12 सीटर लगाना, जितना भी लगाना आप लगा लो यार। यहाँ पर इजीली दोस्तों मैं बात करूँ ना कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर हमारा लिविंग एरिया वो है, लेकिन यहाँ पर आप फिर से एक और सोफा लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं, या यहाँ पर डाइनिंग टेबल्स लगा सकते हैं, यहाँ पर एक सोफा और इंस्टॉल कर सकते हैं, या दीवान टाइप से यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस आपको यहाँ पर काफी मिल गया, क्योंकि लिविंग एरिया सेपरेट है, डाइनिंग एरिया सेपरेट है। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक दीवान या सोफा लगा सकते हो, डाइनिंग टेबल्स बीच में इंस्टॉल या यहाँ पर इंस्टॉल आप कर सकते हैं।
साथ में दोस्तों मैं बात करूं, ये देखिए कितना प्यारी लुकिंग दे दिया आपको, ये बिल्कुल एज इट इज आपको मिलने वाली है, जो कि टाइल्स का वर्क है, जो कि बहुत ही शानदार लुकिंग है, मतलब आपको एक लुक देगा अलग से कि आगे में क्या शानदार चीज है। उसके साथ साथ दोस्तों फॉल सेलिंग डाउन सेलिंग बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी, ब्लू लाइट से कॉम्बिनेशन व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन के साथ में देने वाले हैं, जो कि सारी लाइट बंद कर दो, रात को ब्लू लाइट ऑन कर दो, आपको नजारा लगाएगा, फील करो कि आसमान के नीचे बैठे हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा पार्टीशन करके अलग से हम लोगों ने दिया, ये यहाँ पर आपको एज इट इज मिल जाएगा। देखिए कोई भी चीज स्टोर करनी हो तो वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ये आपको पर्सनल कैबिनेट्स बना करके दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लिविंग एरिया में चाहिए होती है तो वो यहाँ पर स्टोर आप कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए एलईडी वगैरह लगानी है आपने तो यहाँ पर भी एक स्पेस छोड़ा गया है कि अगर एलईडी वगैरह लगाना चाह रहे हो तो इजीली यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी छोटे छोटे कैबिनेट दे दिए आपको कोई भी चीज स्टोर करने के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों लोगों की डिमांड होती है सर पूजा घर तो दे दो, तो ये लीजिए दोस्तों आपको सेपरेट बना करके दे रहे हैं पूजा घर, जो कि आप स्पेस चेक कीजिए, आप लोगों ने देखा होगा पूजा घर छोटा सा बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस देखिए आप डबल स्पेस में पूजा घर बना करके देने वाले, और फिर से ब्लू लाइट कॉम्बिनेशन के साथ में वुडन का वर्क करके दे रहे कंप्लीट एज इट इज, जैसे आप देख रहे हैं जो कि लुकिंग आपको खुद नजर आ रहा हो कितना बढ़िया लुकिंग है। ऊपर भी आप देखेंगे एलईडी लाइट्स वगैरह लगा करके दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, साथ में नीचे फिर से आपको कैबिनेट दे दिए यहाँ पर, ये देखिए तो ये एज इट इज मिलने वाला है। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा दोस्तों। रूम साइज की बात करूं ना 10x14 का रूम साइज होने वाला, जो कि डबल बेड भी अगर आप लगा दो ना यहाँ पर लगभग 1 मीटर की समथिंग स्पेस मिलेगा आपको, और इधर भी लगभग 1 मीटर का समथिंग स्पेस आपका बचा रहेगा, यानी कि बोथ साइड आपका 1 मीटर का समथिंग स्पेस बच रहा है, जो कि काफी अच्छा स्पेस होता है। 3D वॉलपेपर रहेगा दोस्तों, जो इंक्लूड रहेगा एज इट इज, एज इट इज बिल्कुल आपको दे देंगे। साथ में कवर्स आपको दे रहे हैं दोस्तों, स्लाइड कवर्स रहेगी जो कि आप देखेंगे, स्लाइड कवर्स आपको लगा करके दे रहे हैं एज इट इज, ऊपर तक कवर्स को कवर करके देने वाले दोस्तों, बिल्कुल ऊपर तक कवर करके दे रहे हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा काम ना कराना पड़े। ऊपर की फॉल सीलिंग बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी जैसे आप देख रहे हैं। साथ में दोस्तों फर्स्ट बेडरूम में फिर से यहाँ पर दे देगा आपको एलईडी पैनल, जो कि इंक्लूड रहेगा एज इट इज दे देंगे। आप यहाँ पर देखिए लुकिंग देखिए इसकी शानदार तरीके से, यहाँ पर देखिए डबल वर्क करके पीछे फिर से ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपको लुकिंग अच्छी आएगी, तो ये एज इट इज मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो कि गर्ल्स की पसंद है, सर हमें ड्रेसिंग तो दो, तो ड्रेसिंग यहाँ पर दे दी, और ऊपर ना पर्सनल आपको एक बल्ब लगा के दे दिया ताकि आप मेकअप अच्छे से कर सको, तो यहाँ पर ड्रेसिंग आपको दे दी, स्विच आपको दे दिए, आपको यहाँ पर आप देखेंगे यूएसबी केबल का स्विच दे रहे ताकि मोबाइल चार्ज करने में आसानी रहे आपको। यहाँ पर आगे कैबिनेट, कोई भी चीज स्टोर करनी है तो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरा मतलब बेडरूम्स ना शानदार तरीके से बना के दे रहे ताकि आपको मतलब बोलते ना संपूर्ण सारी चीजें एलईडी पैनल ड्रेसिंग कवर्स 3D वॉलपेपर फॉल सीलिंग एज इट इज दे देंगे। साथ में ये हमारा आ जाएगा वॉशरूम, वॉशरूम दोस्तों आप देखेंगे जो टाइल्स रहेगी वो 7 फीट ऊपर तक कवर करके दे रहे, ऊपर तक कवर कराना चाहे तो वो भी करा देंगे दोस्तों। यहाँ पर एडजस्ट फैन के लिए स्पेस दे रहे हैं दोस्तों, टफन ग्लास दिया गया है ताकि आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे, और यहाँ पर सेरा कंपनी की सैनिटरी आपको लगा करके दे देंगे दोस्तों। उसके साथ साथ यहाँ पर चलिए आपको वॉशिंग एरिया दिखा देता हूँ मैं पहले, ये हमारा वॉशिंग एरिया आ जाएगा जो कि काफी अच्छा वॉशिंग एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 2 मशीन भी आपने लगानी है तो इजीली 2 मशीन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल मशीन में काम करना चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पानी का वो दे दिया सारे कनेक्शन, प्लस पीछे टाइल्स दे दिए ताकि नमी की प्रॉब्लम ना रहे। ऊपर आप देखेंगे बिल्कुल ओपन है तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी यहाँ नहीं आने वाली है दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। यहाँ पर हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए, और सेकेंड बेडरूम के रूम साइज की फिर से बात करूं तो 10x14 का रूम साइज होने वाला फिर से इसका। यहाँ पर भी हमारा अटैच वॉशरूम रहेगा जो कि ऊपर तक जो 7 फीट ऊपर तक टाइल्स दे रहे इसमें लगा करके, और एडजस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा वॉशिंग एरिया की कनेक्टिविटी देखिए इस वाले बेडरूम से भी हमारी रहेगी, यानी कि 2 मशीन अगर लगाना चाहे तो 2 मशीन भी हम लगा के काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर फिर से हम लोग देने वाले एलईडी पैनल आप देखिए, पिछले वाले रूम में डिजाइनिंग अलग थी, इस वाले रूम में डिजाइनिंग अलग होने वाली, तो यो आपको एज इट इज ही दे देंगे, साथ में स्विच वगैरह कंप्लीट लगा करके देने वाले। उसके साथ फिर से हमारी कवर्स आ जाएगी दोस्तों, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्लूड करके दे रहे हैं हम लोग, स्लाइड्स कवर रहेगी दोस्तों, स्लो क्लोजर रहेगी, यहाँ पर आपको एज इट इज दे देंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्क, आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये 3D वॉलपेपर है, लेकिन ये 3D वॉलपेपर नहीं है, ये आपके दीवार में पीओपी का वर्क करके दे रहे हैं, जो कि लुकिंग आप देखेंगे तो अलग ही नजर आएगा, मतलब पहले बेडरूम में 3D वॉलपेपर था और यहाँ पर आपको अलग वर्क करके दे रहे, तो ये एज इट इज मिल जाएगा, फॉल सीलिंग आपके एज इट इज आ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम था दोस्तों।
अब हम चलते अपने थर्ड बेडरूम यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा हमें उसको देखने के लिए। तो चलिए आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर ऊपर वाला पोर्शन दोस्तों आप रेंट पे भी देना चाहे तो इजीली रेंट पे भी आप दे सकते हैं यहाँ से, क्योंकि स्टेयर्स हमारी बाहर से है दोस्तों, तो आप रेंट पे आराम से यहाँ पर इसको दे सकते हैं। ऊपर वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छा है जो आपको पसंद आएगा। डायमेंशन की मैंने बात की थी, 21x66 किसके डायमेंशन है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारी डायमेंशन रहेगी दोस्तों 21x66। काफ़ी अच्छा नज़ारा रहेगा यहाँ पर। पार्किंग की बात करूँ तो आप एक गाड़ी अंदर पार्क कर सकते हैं, बाहर पार्क करना चाहे तो बाहर भी स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बाहर भी आप कार पार्क कर सकते हैं दोस्तों। अंदर चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम, तो ये देखिए हमारा ये पोर्शन आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा दोस्तों थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम आप देखेंगे जिसमें जैसा आपको दिखा एज इट इज दे देंगे, 3D वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा दोस्तों, एज इट इज मिलेगा, कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं है इस वाले रूम में। ऊपर की फोर सीलिंग एज इट इज आ जाएगी और उस साथ में फिर से हमारा यहाँ पर अटैच वॉशरूम आ जाएगा। अटैच वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पर टाइल्स को ऊपर तक कवर करके दे रहे ताकि नमी की प्रॉब्लम ना रहे दोस्तों। एडजस्टमेंट के लिए स्पेस दिया गया है साथ में दोस्तों, आपका जो है गीजर वगैरह का प्रोविजन, शावर वगैरह कंप्लीट सेटअप करके देने वाले हैं। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा फिर से आ जाएगा किचन। किचन आपको एज इट इज मिलेगा जैसे आप देख रहे हैं, मतलब मॉड्यूलर नहीं देने, नीचे मॉड्यूलर है लेकिन ऊपर वाले में बिल्कुल सिंपल बना करके देने वाले। हाँ, इसको अगर आप बनवाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके बनवा भी सकते हैं। तो ये एज इट इज रहेगा, साथ में एडजस्टमेंट के लिए स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा आपको, विंडो मिल जाएगी, आरओ गीजर का प्रोविजन मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा आ जाता है सोफे लगाने, आपने और आपने जैसे सोफे वगैरह लगाने सोफे आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मैं बात करूँ डाइनिंग टेबल्स की, डाइनिंग टेबल्स अगर आप लगाना चाहते हो तो डाइनिंग टेबल्स भी आप लगा सकते हैं। 3D वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा दोस्तों। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम था। अब चलिए इसकी छत भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारी छत आ जाती है दोस्तों, यहाँ से हमारी छत आ जाती है जो कि ओपन है दोस्तों। इसमें अगर आप चाहे आने वाले टाइम में अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इसमें एक्स्ट्रा बना भी सकते हैं, आपने 4BHK बनाना, 5BHK बनाना, ऊपर जाना तो स्टेयर्स आपकी यहाँ से आ जाती है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। लोकेशन की बात की थी जैसे मैंने दोस्तों, त्रिपणी मार्केट के जस्ट पास में पटियाला के अंदर, हाईवे के मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। प्राइस की बात करूँ तो उसका प्राइस रहेगा 67 लाख रुपये इसका प्राइस रहेगा। 20 से 25% डाउन पेमेंट करनी, बाकी लोन करा देंगे। 157 गज, 21x66 के डायमेंशन, 10x14 के रूम साइज जो कि बहुत ही स्पेशियस है। नीचे आपने देखा पूजा घर कंप्लीट बना करके दे रहे, मॉड्यूलर किचन दे रहे इसमें, उसमें आपके फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग एज इट इज दे रहे, 3D वॉलपेपर दे रहे, LED पैनल्स लगा करके दे रहे, हाईवे के पास में प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी और रहने के लिए भी बहुत शानदार है। ऊपर वाला पोर्शन अगर रेंट पे भी चढ़ाना चाहे तो इजीली 5 से 10 हज़ार पर रेंट आ जाएगा, वो डिपेंड करता है यहाँ पर कितना इसकी डिमांडिंग होती है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, आप चाह रहे हैं प्रॉपर्टी आला के अंदर, तो आइए विजिट कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।